कुछ इस टाइप के रील्स इंस्टा पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें एक VPN की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने VPN को पहले से डाउनलोड करके कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपने CapCut एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर जो है आप लोगों को जो है न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपनी गैलरी पर जो है अपनी नॉर्मल से वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। आपकी वीडियो एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हमारी वीडियो बिल्कुल नॉर्मल है, अभी इसमें कोई भी इफ़ेक्ट वगैरह नहीं लगा है। तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आपकी यहाँ हमारी वीडियो बिल्कुल नॉर्मल है। तो उसके बाद यहाँ पर इस वीडियो को हम जो है ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हमारी वीडियो ऐड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर वीडियो को हम जो है एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर जो है हमें थोड़ा साइड कर यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख सकते हैं एडजस्ट का ऑप्शन जो है मिल जाता है। तो यहाँ पर एडजस्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है इसकी ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर जो है ब्राइटनेस पर क्लिक करके ब्राइटन को हल्का बढ़ा लेना है, 8 के आसपास रख लेना इसको। एंड इसकी कंट्रास्ट को भी जो है 8 के आसपास रख लेना है, तो मैं इसको 8 ही रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सेचुरेशन को इसको जो है 7 रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है इसकी ब्राइटनेस को जो है 8 के आसपास रख लेना है। एंड इसकी जो है इसकी ब्राइटनेस को 10 के आसपास मैं रख लेता हूँ। एंड यहाँ पर शार्पन को जो है 6 कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर HSL का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पर जो है रेड वाला मिल जाता है, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ये हमारे फेस पर एंड कपड़ों पर जो है काम करता है, तो इसको आप अपने हिसाब से अपने फेस के हिसाब से जो है एडजस्ट कर लेना अपने वीडियो के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर जो है इसको रख लेता हूँ माइनस के जो है। उसके बाद मैं ऑरेंज वाले पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो इसके HUV को मैं जो है यहाँ पर जो है 45 के आसपास रख लेता हूँ। एंड इसकी सेचुरेशन को जो है मैं माइनस के जो है 5 कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसकी लाइटनेस को जो है 85 कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है पीले वाले पर आ जाना है, यहाँ पर जो है इसकी लाइटनेस को थोड़ा हल्का सा और बढ़ा देना है 73 के आसपास। उसके बाद यहाँ पर पीले वाले पर आ जाना है। पीले वाले पर आने के बाद यहाँ पर इसकी HUV को जो है मैं अपने हिसाब से बढ़ा देता हूँ। देख सकते हैं आप लोग, वीडियो का बैकग्राउंड बिल्कुल जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं वीडियो को थोड़ा सा चलाकर जो है अपने बॉडी को थोड़ा पास ले आता हूँ। एंड इसके जो है HUV को मैं हल्का सा माइनस कर लेता हूँ, लगभग 42 के आसपास इसको कर लेता हूँ। उसके बाद इसके सेचुरेशन को जो है 21 के आसपास कर लेता हूँ। एंड इसकी लाइटनेस को जो है मैं माइनस के 45 कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन वाले पर आ जाना है एंड इसको भी अपने हिसाब से वीडियो की एडजस्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, इसको माइनस के 22 कर लेना है। एंड जो है इसकी जो है सेचुरेशन को हम बढ़ा लेते हैं लगभग 50 के आसपास। एंड इसकी लाइटनेस को जो है माइनस के 35 कर लेता हूँ। एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा जो है अपने हिसाब से वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा और। एंड यहाँ पर 22 एंड यहाँ पर जो है लाइटनेस को जो है ऐड कर लेता हूँ। इसकी सेचुरेशन को जो है अपने वीडियो के हिसाब से इसको जो है एडजस्ट कर लेना। एंड यहाँ पर जो है नीले वाले पर आप लोग अपने वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ये हमारे कपड़ों पर काम करता है, इसका कोई काम नहीं रहता वैसे, पर फिर भी मैं इसको जो है एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अपने कपड़े के हिसाब से जो है कपड़ा का कलर बदलना चाहते तो आप लोग इसको एडजस्ट कर लेना। तो मैं इसको पर रहने दे, उसके बाद यहाँ पर डन कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारी वीडियो का बैकग्राउंड तो है अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर जो है मैं फिर से एडजस्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है HSL पर क्लिक करके यहाँ पर जो है ऑरेंज वाले पर क्लिक करके यहाँ पर जो है HUV को इसके माइनस कर देता हूँ। यहाँ पर जो है अपने वीडियो के हिसाब से कर ले रहा है, तो यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा सा जो है माइनस के 28 कर लेता हूँ। एंड जो है पीले वाले को यहाँ पर से 26 कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है सेचुरेशन को इसको जो है 45 के आसपास कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है इसकी लाइटनेस को 38 के आसपास कर लेता हूँ माइनस के। एंड यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कलर बिल्कुल जो है धांसू जो है हो चुका है। एंड यहाँ पर जो है हमें जो है इसकी वीडियो के बैकग्राउंड देख सकते हैं, यहाँ तो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पर इसकी एंडिंग पॉइंट को यहाँ पर से जो है डिलीट कर देना आप लोग।
उसके बाद यहाँ पर हमें म्यूज़िक ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब ऑडियो वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देना है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है नीचे की साइड आप लोगों को ऑडियो वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर देना। एंड यहाँ पर एक्सपर्ट वाला ऑप्शन पर दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लोग जो है अपने गाना जो भी गाना हो वो वीडियो डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो है वीडियो को सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर जो है अपना वीडियो ले लेता हूँ, तो मेरा वीडियो जो है ये है, तो मैं इस अपने वीडियो को ले लेता हूँ। यहाँ पर जो है अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे म्यूजिक यहाँ पर जो है ऐड हो जाएगा, आप लोग देखते हैं यहाँ पर। सो हमारा म्यूजिक यहाँ पर जो है ऐड हो चुका है। सो उसके बाद यहाँ पर जो है अपने म्यूजिक के हिसाब से अपने वीडियो को जो है कट करना है। मान लीजिए जो है मैं यहाँ पर जो है इसको अपने वीडियो के हिसाब से जो है इसको पहले यहाँ पर जो हमारा वीडियो जो है काफ़ी तेज़ वॉल्यूम हो रहा है, तो मैं यहाँ पर जो है इसको एक कट लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट को जो है हमें ब्लर करना है। तो यहाँ पर ब्लर कैसे करना है, यहाँ पर थोड़ा बैक चले आना एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पर जो है हेलो ब्लर का ऑप्शन, यहाँ पर हेलो ब्लर पर जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद डन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर एडजस्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इसको पहले अपने वीडियो पर पूरा फिल कर लेते हैं, जो है अपने जहाँ कटा वाला पॉइंट है जो क्रॉप वाला उस पर पूरा फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पर इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बिफोर एंड आफ्टर, देख सकते हैं आप लोग हमारी फर्स्ट वाली लेयर बिल्कुल ब्लर हो चुकी है। उसके बाद हमें वीडियो इफेक्ट पर फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों को वाइब्रेशन फ्लैश पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको एक इफेक्ट मिल जाएगा ट्रेंडिंग में ही, तो यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डन कर लेना है एंड यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है अपने जो है वीडियो के हिसाब से, इसको जो है एकदम जो है छोटा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है वीडियो थोड़ा सा जो है फ्लैश हो रहा है, मतलब कि थोड़ा उलर रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं वीडियो का वॉल्यूम जो है डाउन कर देता हूँ, यहाँ पर जो है वीडियो का वॉल्यूम डाउन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देना, बॉडी इफेक्ट पर। उसके बाद यहाँ पर बॉडी इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर जो है ट्रेंडिंग में आप लोग को शायद इफेक्ट मिल जाएगा, सो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ग्लोइंग लाइन्स पर जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों को यहाँ पर नीचे साइड जो है आ जाना है, यहाँ पर जो है आप लोगों को नीचे साइड आ जाना है। अभी यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रहा है, थोड़ा स्लो इंटरनेट है हमारा, तो यहाँ पर जो है आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है ये वाला इफेक्ट को जो है हमें डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है इफेक्ट पर। देख सकते हैं हमारा इफेक्ट लग चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है इसको एडजस्ट पर क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर जो है इफेक्ट को थोड़ा सा अपने बॉडी के ऊपर ले लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर वर्टिकल पर जो है क्लिक कर देना है, वर्टिकल पर इसको जो है थोड़ा सा आगे ले जाना है, तो हमारी जो है इफेक्ट बॉडी के थोड़ा ऊपर हिस्से पर चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, इसके लेंथ को थोड़ा सा कम कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है ये वाला इफेक्ट ख़त्म होता है। तो यहाँ पर हमें एक काम और कर लेना है, जहाँ पर हमारा इफेक्ट ख़त्म होता है वहाँ पर वीडियो वाली लेयर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद वीडियो वाली लेयर को जो है कट कर देना है। उसके बाद हमें वीडियो वाली इफेक्ट पर फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वीडियो वाली इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर जो है उसी वाली इफेक्ट को फिर से ले लेना है। यहाँ पर जो है नीचे साइड आ जाना है हमें, यहाँ पर थ्री लेयर इफेक्ट को जो है हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है इसको डन कर लेना एंड यहाँ पर जो है इसकी लेंथ को थोड़ा सा कम करके यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है इसको। यहाँ पर वीडियो वाली इस इफेक्ट पर फिर से क्लिक कर देना है, यहाँ पर हल्का इसको एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा पीछे ले जाकर यहाँ पर जो है वीडियो वाली इफेक्ट पर फिर से क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर जो है आप लोग वाइब्रेशन फ्लैश को यहाँ पर जो है हल्का सा बीच में रख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये ऊपर यहाँ पर जो है बीच में रख लेना है, तो मैंने पहले नहीं किया, सॉरी उसके लिए। यहाँ पर आप लोगों को पहले से ही कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है भी इफेक्ट ख़त्म होता है उसके बीच में आप लोगों को ये स्लैश दे देना है, देख सकते हैं हमारा ऐसा कुछ लगेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है, इसकी स्पीड को हल्का सा कम करके इसकी जो है इंडस्ट्री को जो है
79 के आसपास कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरी वाली इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देना है। यहाँ पर हमारा ये फ्लैश वाला इफेक्ट ख़त्म होता है। यहाँ पर जो है 3 लेयर्स को आप लोग अपने हिसाब से कर लेना है। तो हम हैं यहाँ पर जो है इसको पूरी वीडियो पर जो है कर लेता हूँ। एंड इसकी वर्टिकल को जो है हल्का सा जो है इसकी वर्टिकल को डाउन कर लेना है। मतलब डाउन करने से हमारा जो है वो ऊपर वाली बॉडी जो है दिख जाएगी। तो यहाँ मैं यहाँ पर इसको 29 के आसपास कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डन कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी वीडियो बनकर बिल्कुल जो है रेडी हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारा आपका भाई हमेशा लाता रहेगा। तो आज वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।